अपहरण व हत्याकांड में न्याय से वंचित पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने हेतु आवाज उठा रहे ऑपरेशन विजय के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कई पदाधिकारी एवं न्यायिक प्रकोष्ठ के अधिवक्ताओं सहित 45 लोगों के खिलाफ दर्ज FIR के विरोध में कानपुर की सभी बार एसोसिएशनों ने संयुक्त रूप से 28 अगस्त 2020 को कार्य का बहिष्कार करते हुए हड़ताल की घोषणा की थी। इसका समर्थन करते हुए कपिल दीप सचान महामंत्री कानपुर बार एसोसिएशन एवं वीर बहादुर सिंह महामंत्री दिलायर्स एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमे का जोरदार विरोध किया व संबंधित अधिकारियों से अधिवक्ताओं एवं अधिवक्ताओं के परिजनों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की। वहीं ऑपरेशन विजय के सहकानूनी सलाहकार एडवोकेट प्रियंका यादव ने कानपुर पुलिस द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष को हिरासत में लेने के दौरान पुलिस की कार्यशैली की वीडियो बनाते समय क्षेत्र अधिकारी गोविंद नगर विकास कुमार पांडे द्वारा जबरदस्ती मोबाइल छीनने का आरोप लगाते हुए जियो के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने की मांग रखी। मीडिया से बात करते हुए ऑपरेशन विजय के राष्ट्रीय महासचिव विवेश कुमार एडवोकेट व न्यायिक प्रकोष्ठ के अधिवक्ताओं ने दोनों ही बार एसोसिएशन का दिल से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यदि इस तरह सभी सम्मानित वरिष्ठ पदाधिकारियों व हमारे सभी अधिवक्ताओं बंधुओं का सहयोग मिलता रहा तो ऑपरेशन विजय का न्यायिक प्रकोष्ठ पीड़ित परिवारों के हित में मजबूती से अपनी बात उठाता रहेगा व किसी भी कीमत पर पुलिस व प्रशासन की दमनात्मक कार्रवाई को सहन नहीं करेगा। पदाधिकारियों के बीच कानपुर कलेक्ट्रेट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील यादव उर्फ सागर यादव ने बताया कि आज सिर्फ कानपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार संगीन आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, जिन्हें पुलिस प्रशासन रोक पाने में पूरी तरह नाकाम है। ऐसी स्थिति में हम अधिवक्तागण व समाज सेवियों द्वारा पीड़ित परिवारों की सहायता में पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी आवाज दबाया जाना बहुत ही गलत है, जिसको हम अधिवक्तागण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हड़ताल के समर्थन में अपनी बात रखने वाले अधिवक्ताओं में रामसेवक यादव, पूर्व अध्यक्ष अरविंद दीक्षित, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीएन पाल, पूर्व उपाध्यक्ष मधु यादव, पूर्व संयुक्त मंत्री सुधीर कुमार यादव, बलजीत सिंह यादव, अनुराग सिंह यादव, नमन गुप्ता, टीएन कुशवाहा, आनंद गौतम, शिव यादव, धर्मेंद्र सिंह, अरविंद सिंह सहित भारी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। साथियों, असहनीय घटनाओं के शिकार पीड़ितों की आवाज उठाना, पीड़ितों की सहायता करना क्या अपराध है? लेकिन आप भले ही ना मानते हों, परंतु उत्तर प्रदेश पुलिस व कानपुर पुलिस पीड़ितों व घटनाओं के शिकार न्याय से वंचित लोगों की आवाज उठाना या उनकी सहायता करना अपराध मानते हैं, जिसके तहत ऑपरेशन विजय ने जब कानपुर नगर के संजीत यादव प्रकरण में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने हेतु आवाज़ उठाई तो पीड़ित परिवार की आवाज़ उठाने के बदले कानपुर पुलिस ने हमारे शहीद ऑपरेशन विजय के न्यायिक प्रकोष्ठ के अधिवक्ताओं सहित करीब 45 लोगों के खिलाफ थाना नौबस्ता में मुकदमा पंजीकृत करा दिया। साथ ही हम अन्य पीड़ितों की आवाज़ ना उठाएं, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ आकर हमें हिरासत में लेकर 151 के तहत कार्रवाई की। इससे भी संतुष्टि ना होने पर वो चाहते थे कि इनको कम से कम 14 दिन के अंदर हिरासत रखा जाए, ताकि बिल्कुल ही अन्य लोग जो पीड़ितों की आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं उनके मुँह को भी दबाया जा सके। परंतु ऑपरेशन विजय न्यायिक प्रकोष्ठ के अधिवक्ताओं के विरोध के बाद ACM फर्स्ट को 14 दिन के हिरासत में रखने वाले अपने आदेश को बदल कर तत्काल हमें जमानत देनी पड़ी। आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग, जो एक गैर राजनीतिक अभियान है और समाज के गंभीर घटनाओं के शिकार पीड़ित व न्याय से वंचित लोगों की आवाज़ पुलिस प्रशासन के सीनियर अधिकारियों के अलावा उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार तक पहुंचाकर उनको न्याय दिलाने का काम करता है, जो केंद्र एवं प्रदेश सरकारों के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन के साथ पीड़ित परिवारों के हित में है। परंतु अभी हमारे साथ व ऑपरेशन विजय के पदाधिकारियों के साथ पुलिस द्वारा
किए जा रहे उत्पीड़न से हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु आज हम आपको बताना चाहते हैं कि ऑपरेशन विजय ना ही झुकेगा ना ही रुकेगा, अपने सिद्धांतों पर समाज हित में लगातार काम करता रहेगा। धन्यवाद।